क्या? लगभग आत्माएं कभी खत्म नहीं होती, आत्माएं तो बढ़नी है क्योंकि ऊपर से लगातार उतरनी है। जब विनाश होता है तो वो आत्माएं जाकर के दूसरी जगह जन्म लेंगी, तो आत्माओं की संख्या कम होने का सवाल ही नहीं है। 10 करोड़ अगर त्रेता के अंत में होते हैं तो द्वापर के आदमी और भी संख्या बढ़ेगी। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये बड़ी झूठ है। जिन्होंने कृष्ण का नाम डाला है उन्हें क्या सजा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने गीता के सच्चे भगवान को छुपाया है। छुपाया है, बेचारे जानते थे क्या? द्वापर के आदि में जिन्होंने गीता में कृष्ण का नाम डाला है तो गीता पहले बनी है और नाम बाद में डाला गया है कि जब गीता बनी तभी नाम डाला गया? है शूटिंग में क्या हुआ? शूटिंग में मुरलियों में पिताश्री पहले डाला गया या जब मुरलियां निकली तभी पिताश्री डाल दिया गया? क्या हुआ? पहले मुरलियां निकली हैं, बाद में पिताश्री नाम डाल दिया। तो इससे साबित होता है कि हर युग में पहले सतो प्रधानता होती है और अंत में तमो प्रधानता आती है। तो जब गीता बनाई गई थी उस समय वो निराकारवादी गीता थी, बनाने वाले ने निराकारवादी गीता बनाई, लेकिन बाद में जो फॉलोअर्स आए उन्होंने उसमें कृष्ण का नाम ठोक दिया। जैसे यहां ठोक दिया वैसे ही वहां भी ठोक दिया। हाँ जी, जन्म मरण के चक्र में आते हैं। यहाँ जन्म मरण का बेहद में अर्थ है, मर गए माने अनिश्चय बुद्धि बन गए। कोई बाप के बच्चे बनते हैं तो निश्चय बुद्धि बन गए। तो ये चक्र चलता रहता है। सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? कृष्ण वाली आत्मा सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। और सबसे कम निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? राम वाली आत्मा, बाप। बाप बीज है, बच्चा पत्ता है, तो ज्यादा कौन हिलता है? पत्ता जास्ती हिलता है। और
भक्ति मार्ग में जो विष्णु का चित्र बनाया है उसमें कमल के फूल को ऊपर की ओर दिखाया है और ज्ञान मार्ग में जो नीचे की ओर चित्र दिखाया गया है वो कमल का फूल नीचे की ओर है। इसका क्या कारण है? भक्ति मार्ग में जो भी चित्र बने हैं संपूर्णता की स्टेज के बने हैं या अधूरी स्टेज के बने हैं? कौन सी स्टेज के चित्र बनाए गए हैं? संपूर्ण स्टेज के चित्र की यादगार है या पूर्णता की स्टेज की यादगार है? संपूर्णता की स्टेज की यादगार है। संपूर्ण बनेंगे तो कमल का फूल ऊंची स्टेज में होगा या नीची स्टेज में होगा? ऊंची स्टेज में होगा। ये कमल फूल का समान जीवन बिताने वाली आत्मा कौन सी है जो रहती है कीचड़ में और मन बुद्धि से उपराम रहती है? किसकी यादगार है? है जगदम्बा की यादगार है। जगदम्बा घर गृहस्थ के जीवन में है। जब प्रत्यक्षता होगी तो गृहस्थी के गिरे हुए जीवन में रहेगी या ऊंची स्टेज में आ जाएगी? ऊंची स्टेज में आ जाएगी। लक्ष्मी का नाम सिर्फ लक्ष्मी होगा और जगदम्बा का नाम मां लक्ष्मी, क्योंकि दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में कमल का फूल ऊपर दिखाया गया है। साढ़े चार लाख आत्माएं जो बर्फ में दबेंगी, आत्माएं थोड़े ही दबेंगी, आत्माएं ऊपर जाएंगी या बर्फ में दबेंगी या शरीर दबेंगे? शरीर बर्फ में दबेंगे और आत्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊपर उड़ जाएगी। तो जो शरीर साढ़े चार लाख बर्फ में दबेंगे वो एक जगह इकट्ठे होकर के दबेंगे या जहां जहां जो होंगे वहां दबेंगे? उनका सेवा का फील्ड सबका एक ही जगह होगा या सारी दुनिया में फैला हुआ होगा? सारी दुनिया में फैले हुए होंगे। तो जो जहां भी होगा वहां बर्फ में दब जाएगा। मुक्ति बाप के द्वारा मिलती है और जीवन मुक्ति ब्रह्मा द्वारा अर्थात माता के द्वारा मिलती है। मुक्ति जो है वो शंकर द्वारा गाई हुई है, वो जगत पिता है और माता का पाठ प्रकृति का है या प्रकृति से परे है? प्रकृति का पार्ट है। प्रकृति के पांच तत्वों के बगैर जीवन नहीं मिलता है। जीवन जीव कब बनता है? जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो जीव बनता है। आत्मा प्रवेश नहीं है तो पांच तत्वों का पुतला है। वो पांच तत्वों का पुतला भी जीवन धारण करता है जब आत्मा प्रवेश करती है।
अगर जीवन धारण न करे तो आत्मा को जीवन मुक्ति नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? आत्मा सिर्फ दुखों से मुक्त है, जीवन में रहते मुक्त नहीं है। तो प्रकृति के संयोग में आकर के आत्मा को जीवन मुक्ति मिलती है। और प्रकृति का पार्ट तो माता का है, उसका नाम ही है जगदम्बा। जब इलेक्ट्रॉन आत्मा है, इलेक्ट्रॉन शरीर, तो अमेरिका में उनका कैपेबिलिटी है, तो अमेरिका में बर्फ के नीचे दब जाएंगे, तो केवल भारत में ही यमुना के कंठे पर हमको पृथ्वी मिलता है, वो वहां से कैसे कंठे की जो बात है वो बात तो संगम युग की बात है, और सतयुग जो आवेगा जहां हमारे शरीर कंचन काया बन जावेंगे, यहां शरीर सड़ते जावेंगे या कंचन काया बनेंगे? हाँ, तो जहां सड़ते जावेंगे वहां आत्मा पावरफुल होती जावेगी। तो संगम युग की बात अलग है, संगम युग में बर्फ में दबने की बात नहीं है, संगम युग में संकल्प जाम करने की बात है, संकल्प और विकल्पों से परे स्टेज प्राप्त करने की बात है। आत्मा एकदम शीतल स्टेज प्राप्त कर ले, संकल्पों की धमा चौकड़ी से एकदम परे हो जाए, एकदम बिंदु, उसको कहेंगे संकल्प जाम हो गए। वहां तो पानी जाम हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और यहां संगम युग में क्या जाम करना है? संकल्प जाम करना है। तो सतयुग की बात बताई, सतयुग जब आवेगा तो पहले सारी दुनिया में जलमयी जलमयी होनी है, और जलमयी होने के बाद इतना ठंडा वातावरण हो जाएगा कि बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। धीरे धीरे नंबरवार जिन आत्माओं को उतरना होगा उनके शरीर बर्फ से बाहर आते जाएंगे, और उनमें आत्मा प्रवेश करके अपना कार्य करेगी, चहलकदमी करेगी। यमुना का कंठा जो गाया हुआ है वो यहाँ संगम की बात है, सतयुग की बात नहीं है। वहां तो गंगा और यमुना दोनों ही नदियां होंगी, एक नदी के किनारे स्वर्ग नहीं होगा, दोनों ही नदियों के किनारे स्वर्ग होगा। योगी को सब सहयोग देते हैं, नहीं गायन है योगी सो सहयोगी, जो योगी होता है उसको कोई सहयोग दे या न दे लेकिन वो सबको सहयोग देगा। लेकिन यहां लिखा है योगी को सब सहयोग देते हैं लेकिन शंकर को सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाई है। तो बात उलट दी है, शंकर योगी है तो सारे विश्व को सहयोग देने वाला है,
ऐसे नहीं कि उसको सब सहयोग देंगे। सहयोग कमजोर को दिया जाता है या पावरफुल को दिया जाता है? जो कमजोर होते हैं उनको सहयोग दिया जाता है, और सहयोग देना भी चाहिए। और बाबा ने एक वार्तालाप में भक्ति मार्ग के अंश के लिए बाल का मिसाल दिया। ऐसा कोई वार्तालाप है जिसमें भक्ति मार्ग के अंश के लिए बाल का मिसाल दिया हो? ये जरूर बताया है जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है, ऐसे बाप तुमको पार ले जावेंगे, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। अमेरिका के अखबार में पढ़ गया कि कलकत्ते का जौहरी है जो कहता है हमको 16,108 रानियां चाहिए, 400 मिल चुकी है। तो ये समाचार सिंध हैदराबाद में फैला या अमेरिका में? अब अमेरिका में अगर न फैला होता तो अखबार में कहां से छपता? माना वो समाचार अमेरिका तक भी चला गया कि कलकत्ते का एक जौहरी है जो ऐसे ऐसे कहता है। दुनिया में जो दुष्ट लोग होते हैं वो अच्छे अच्छे डॉक्टर से ईर्ष्या करते हैं। अरे डॉक्टर से क्या, कोई भी हो, विद्वान हो, पंडित हो, आचार्य हो, जो बहुत अच्छे होते हैं तो उनसे दूसरे ईर्ष्या करने लग पड़ते हैं कि हमसे आगे न निकल जाए, इसलिए उनको मार डालते हैं। तो यहां उसकी शूटिंग कैसे होती है? वहां तो शरीर से मार डालते हैं, यहां मार डालने का अर्थ क्या है? अनिश्चय बुद्धि बना देना, माना मार डालना। ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जहरीली, उनको निश्चय उखड़ जाता है। शरीर की गंदगी से बाल और नाखून निकलते हैं, नाखून निकलते हैं शरीर की गंदगी से, शरीर के अंदर के बाल निकलते हैं जो नीचे की ओर होते हैं बगल आदि में, लेकिन सर के बाल गंदगी से नहीं निकलते हैं। इसलिए सर के बाल देवताओं को भी होते हैं, लेकिन सर से नीचे जो दाढ़ी मूछ आदि है उसके बाल नहीं होते हैं। बाकी नाखून तो नीचे है ही, वो तो गंदगी से निकलते ही है। और
कि सृष्टि में 600-700 करोड़ आत्माएं हैं, और 33 करोड़ देवताओं का गायन है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? हर बात में बेहद का अर्थ, बेहद का अर्थ यही है कि अच्छे कम होते हैं और बुरे ज्यादा होते हैं। 600-700 करोड़ की दुनिया में 33 करोड़ देवताएं बहुत थोड़ी संख्या हो गई, और उन 33 करोड़ देवताओं में जो भी 600-700 करोड़ आत्माएं हैं, जिनमें से 10 करोड़ सतयुग त्रेता के कम कर दो तो कितने बचे? 10 करोड़ कम 600-700 करोड़, वो सब आत्माएं परम धाम से उतरती हैं और 33 करोड़ देवताओं में ही प्रवेश करती रहती है। जो पावरफुल आत्माएं हैं वो कमजोर को दबोचती हैं, परंतु भगवान जब आते हैं तो कमजोरों के ऊपर रहम करते हैं। 33 करोड़ देव आत्माएं पावरफुल बन जाती हैं और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। और संकल्प जाम होना माने अपने को बिंदु रूप आत्मा में टिका देना, दूसरा कोई संकल्प ना आने पावे। अगर संकल्प विकल्प आते रहेंगे तो आत्मा रूपी दीपक हिलता रहेगा या स्थिर रहेगा? हिलता रहेगा। जैसे गीता में भी लिखा है कि जो आत्मनिष्ठ होती है आत्मा, वो आत्मा जैसे हवा रहते स्थान में दीपक खड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है। ये माया के झकोरे लगते रहते हैं तो दीपक हिलता है, ऐसे ही ये आत्मरूपी दीपक तब तक हिलता रहेगा जब तक 63 जन्मों के हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। वो पाप कर्म माया की आंधी के रूप में हमारी आत्मा को हिलाते रहते हैं। ये माया की आंधी आना तब बंद होगी जब 63 जन्मों के हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, फिर आत्मा स्थिर हो जाएगी, संकल्प और विकल्प में हिलती डुलती नहीं रहेगी। माया परीक्षा लेती है ना? माया क्या चीज होती है? हमारे 63 जन्मों के किए हुए पाप ही तो माया है। जो स्त्री पुरुष या पदार्थों के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और हमारे पुरुषार्थ को डावाडोल कर देते हैं, शंकर पार्वती से बोलता है तुम्हारी इच्छा अनुसार काशी न्यारी है और न्यारी रहेगी, तो ये किस पार्वती के लिए बोला है? बाबा तो कहते तुम सब पार्वतियां हो, एक पार्वती की बात है या सभी की बात है? है सभी पार्वतियों की बात है।
और जब रिजल्ट निकलते जावेंगे और रिजल्ट निकलने से पहले धर्मराज की सजा महसूस करते जावेंगे तो सभी को सजा ऐसे ही मिलेगी या स्थूल रूप में शरीर के द्वारा मिलेगी, उसका जवाब तो बाबा ने दे दिया है। ऐसे नहीं समझना कि संकल्पों से ही सजा खत्म हो जाएगी। स्थूल शरीर धारण करा के सजा देंगे। बिना शरीर के सजा नहीं मिलेगी। बिना शरीर के सुख दुख महसूस होता है क्या? नहीं होता है। तो सजा भी शरीर के द्वारा मिलेगी। अरे जिसके अंदर प्योरिटी होगी वो प्योरिटी आंखों से झलकेगी या नहीं झलकेगी? हैं? वो प्योरिटी उनकी आंखों से झलकती थी। लोग ये समझते थे कि जैसे हम कर्म इंद्रियों से पतित, कर्म इंद्रियों से भ्रष्ट इंद्रियों से पतित है, ऐसे ये भी पतित होगा या पतित बनाता होगा। लेकिन वो पतित बनाने वाली बात नहीं थी, उसकी तो दृष्टि ही आकर्षण में थी, जो आत्माएं उनकी ओर खींचती थी। लेकिन जो उस समय के पंडे पुजारी थे उनकी अकल में तो दूसरी बात भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने भितंडावाद पैदा कर दिया। इसलिए बाबा ने कहा है कि क्राइस्ट को भी सूली पर जो चढ़ाया था वो पवित्रता की बात थी, वो तो स्थूल सूली पर चढ़ाया गया, वो क्राइस्ट की बात थी। यहां क्राइस्ट की राशि किससे मिलाई जाती है? हैं? कृष्ण की आत्मा से। कृष्ण की आत्मा माने ब्रह्मा की आत्मा, जो ब्रह्मा की सोल है वो ब्रह्मा की सोल सूली पर चढ़ने की बात नहीं है, ये तो याद में ऊपर टंग जाने वाली बात है। देह अभिमान से परे हो जाए, कर्म इंद्रियों में जो देह भान आता है और देवान के आधार पर सुख भोगते हैं, उस सुख से आत्मा परे हो जाए, निराकारी स्टेज में टिक जाए और टिकी ही रहे, वो है सूली पर चढ़ना। जो बच्चे सर्विस में लगे रहेंगे उनको विनाश के टाइम पर भी रोटी दाल मिलती रहेगी। मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे, ऐसे बाबा ने बोला है। तो
तो क्या वो बच्चे विनाश के टाइम पर भी सेवा में लगे रहेंगे? अरे सेवा कोई कर्मेंद्रियों से ही होती है क्या? स्थूल सेवा को ही सेवा कहा जाता है क्या? या वाचा की सेवा को ही सेवा कहा जाता है क्या? मनसा से सेवा नहीं होती है? सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मनसा की सेवा। जिनकी मनसा एकाग्र हो जाती है वो बहुत बड़ी मनसा की सेवा से वाइब्रेशन कंट्रोल कर लेते हैं। वाइब्रेशन के कंट्रोल होने से जो दुनिया में सबसे विनाशकारी चीज है, दुनिया का सबसे विनाश ज्यादा करने वाली है कौन? प्रकृति, कुदरत, वो भी कंट्रोल में आ जाती है। जो महाकाली का पार्ट है, असुर संहारिणी दुनिया से सारे असुरों का सफाया कर देती है। इतनी बड़ी आसुरी ताकत है, जो बोला जाता है लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, ऐसी पावरफुल शक्ति भी वाइब्रेशन से कंट्रोल्ड हो जाती है। वो प्रकृति ज्ञान नहीं सुनेगी। ज्ञान का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। याद से ही परिवर्तन होगा। तो विनाश के टाइम पर जो सबसे बुल बच्चे होंगे बाबा के, उनको तो अभी भी बाबा से मदद मिलती है। कौन सी चीज की मदद मिलती है? बुद्धियों की मदद मिलती है। जो मेरे बच्चे बहुत सर्विस में लगे रहते हैं, मैं उनको याद करता हूं, तो याद की मदद मिलती है। जिन बच्चों को अभी से ही याद की मदद मिल रही है, विनाश के टाइम पर वो याद में तीखे हो जावेंगे या कमजोर रह जावेंगे? और ही ज्यादा तीखे हो जावेंगे। तो याद में जो तीखे होंगे उनका योग बलि ही सारा कार्य करेगा। उनको भाग दौड़ की सेवा करने की दरकार ही नहीं, वाचा की ज्यादा सेवा करने की दरकार ही नहीं। एक संकल्प में स्थिर हुए और जो चाहे इस संकल्प के आधार पर सिद्धि की, बाबा की याद में रहते हुए वही संकल्प सिद्ध हो जाएगा, तो इससे बड़ी सेवा और क्या होगी? बाबा सिंध हैदराबाद की आबादी 9 लाख, तो उस समय सिर्फ सिंध हैदराबाद वालों को संदेश मिला कि भगवान आया हुआ है। और वही आत्माएं सत्यु के आदमी आती हैं, लेकिन अमेरिका के अखबार में भी तो पढ़ा, वो लोग भी तो अखबार पढ़े होंगे। तो वो आत्माएं स्वर्ग में नहीं आवेंगी क्या? अमेरिका के अखबार में जो पढ़ा, उन्होंने साक्षात्कार की बातों को देखा और सुना था क्या? साक्षात्कार जो सिंध हैदराबाद में हुए, उन साक्षात्कारों की बातों को प्रैक्टिकल में अनुभव किया क्या? अखबार में पढ़ने के आधार पर थोड़ी अनुभव किया,
वो तो संशय बुद्धि के आधार पर उन्होंने पढ़ा। तो संशय बुद्धि जो है वो प्राप्ति नहीं कर पाते, इसलिए उनकी तो बात ही नहीं है। बाबा ने बोला है जिन जिन कर्म इंद्रियों से पाप कर्म करेंगे तो वो इंद्रियां काटी जाएंगी, तो वो इंद्रियां स्थूल रूप में काटी जाएंगी या बीमारी आदि आ जाएगी तो वो इंद्रियों को तकलीफ होगी, काम नहीं करेंगी। जैसे मुसलमान हैं कौन सी इंद्रिय से सबसे जास्ती पाप कर्म करते हैं, है है नहीं? काम इंद्रिय से सबसे जास्ती पाप कर्म करते हैं। तो मुसलमानों की कर्म इंद्रियां काटी जाती हैं भक्ति मार्ग में, उनको कहते हैं सुन्नी मुसलमान। और यहां धर्मराज काटेगा, बाकी बीमारी आदि आती है वो तो 63 जन्म ऐसे ही होता चला आया, वो कोई धर्मराज की सजा थोड़ी ही है। मुसलमान लोग सभी को श्री कह देते हैं, अरे मुसलमान लोग नहीं श्री कह देते हैं लेकिन भारतवर्ष में मुसलमानों को भी श्री नाम दे देते हैं, श्री श्री फर्रुखद्दीन अली अहमद। यहां के राष्ट्रपति का नाम के आगे क्या लगा देते, श्री लगा देते। और श्री किसको कहा जाता है, श्रेष्ठ को कहा जाता है। जो श्रेष्ठ होते हैं वो देवताएं होते हैं या मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं? मनुष्यों में भी मुसलमान धर्म तो सबसे भ्रष्ट है, उनको श्रेष्ठ कैसे कह देते? कोई अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों को भाषण देते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, क्लास भी सुनते सुनाते हैं, परंतु फिर परचिंतन भी बहुत करते हैं। तो उनकी क्या शूटिंग होगी? कोई होते हैं टीचर बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाना जानते हैं लेकिन खुद धारणा नहीं करते हैं। तो जो खुद धारणा नहीं करेंगे वो राजा बनेंगे या सतयुग में टीचर बनकर के रह जाएंगे? सतयुग में टीचर बनकर के रह जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे। और सतयुग में त्रेता में राजा नहीं बनेंगे तो द्वापर कलयुग में भी राजा नहीं बनेंगे, है?
सदगुरु में टीचर नहीं होंगे, पढ़ाई नहीं होगी। राजा को राजा थोड़े ही चुनता है, राजा तो बाद में बनता है। टीचर पहले पढ़ाई पढ़ाता है तब राजा बनता है, या राजा बनकर के टीचर की पढ़ाई पढ़ता है? पहले तो राजा पढ़ाई पढ़ता है, जब पढ़ाई पढ़ता है तब राजा थोड़े ही था। काखा गागा गा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, संगीत विद्या सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, वहां चित्रकारी करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहां चित्रकारी नहीं पढ़ाई लिखाई जाती है। चित्रकार यहां मूर्तिकार होते हैं या नहीं होते हैं? वहां मूर्ति कला नहीं होती है, लेकिन चित्रकला तो होती है, संगीत विद्या भी होती है। कोई संगीत में ज्यादा होशियार होते हैं, कोई कम होशियार होते हैं, तो पढ़ाई वहां भी होती है। ब्राह्मणी अगर कोई अपवित्र आत्मा को ले आएगी तो उस पर दोष आ जाएगा। अब भगवान तो अपवित्र को ही पवित्र बनाने आए हैं, तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि अपवित्र को लेके आ गई? ये नहीं समझ में आया कि अपवित्र को लेकर के आ गई है तो अपवित्र से लगाव लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? ब्राह्मणी का लगाव अपवित्र से साबित होता है या नहीं होता है? बाबा ने तो कहा 7 दिन का कोर्स करके उससे प्रतिज्ञा पत्र लिखवाओ कि मैं पवित्र रहूंगा, पवित्र बना करके लाओ। और ब्राह्मणी जानती है कि ये अपवित्र है, हमारे साथ अपवित्र हरकतें भी करता है, फिर मोह लग गया, लगाव लग गया, उसको उठा के ले आई। तो यज्ञ में आकर के वो हरकत करेगा, यज्ञ में वो नरक बनाने का पुरुषार्थ करेगा कराएगा, या स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कराएगा? नरक बनाने का पुरुषार्थ कराएगा। इसलिए बाप तो आए हैं अपवित्र को पवित्र बनाने, लेकिन इंटेंशन देखा जाता है, लक्ष्य देखा जाता है। यज्ञ में आने के बाद लक्ष्य क्या है? पवित्र बनने का लक्ष्य है या पवित्र के अपवित्र बनने का ही लक्ष्य है? इसलिए दोष आ जाता है। गंगा आकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलेगी, माना पहले गंगा वाली आत्मा आएगी या छोटी बा आएगी? कौन आएगा? एडवांस में पहले सन्यासी निकलेंगे या पहले चंद्रवंशी निकलेंगे? पहले गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है, कहां?
इलाहाबाद में, अल्लाहाबाद में जब तीनों मिलती है तब गंगा नाम पड़ता है, यमुना और सरस्वती नाम लोप हो जाता है, सब ज्ञान गंगाएं कही जाती है। वो ज्ञान गंगाएं इलाहाबाद से आगे बढ़ती है तो काशी नगरी से गुजरती है, काशी नगरी में वरुणा नदी से जब मिलती है तो वाराणसी नाम पड़ता है। काशी नगरी नाम पड़ता है जहां गंगा तलवार का रूप धारण कर लेती है, अर्थात ज्ञान की तलवार बन जाती है। वो ही ज्ञान की तलवार जब आगे बढ़ती है पूर्वी बंगाल की ओर तो वहां ब्रह्मपुत्र नदी जो सदैव ऊंची ऊंची स्टेज से बहती आई है, पवित्रता की ऊंची स्टेज से बहती आई है, वो ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर जब मिलती है तब गंगा सागर का मेला होता है और सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है। इसलिए गायन है और मेले बार बार और गंगा सागर एक बार। छोटी मां निकलेगी तो उसके पीछे के पीछे कितने निकलेंगे? अरे शहद की मक्खी मक्खियों की रानी निकलती है तो अकेले निकलती है, ये झुंड के झुंड साथ जाते हैं, तो वो तो 16,108 को भी साथ ले आएगी। जब गोवर्धन पहाड़ सारा ही उठ गया फिर सेवा करने के लिए कुछ रह जाएगा क्या? फिर तो भगवान की प्रत्यक्षता ही हो जाएगी। वैष्णवी शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। विष्णु के प्रत्यक्ष होने पर कुछ भी सेवा करने के लिए नहीं रह जाती फिर। उनके लिए कोई सेवा करने के लिए नहीं रह जाती जो आत्माएं संपन्न बन जाती हैं। सेवा करना किनका काम है? जो अधूरी आत्माएं हैं उनका काम है या जो संपन्न बन जाएंगे उनका काम है? हैं? जो अधूरे हैं उनको सेवा करनी है, तो संपन्न बन गए तो उनका चित्र ही उनका चेहरा ही सारा कार्य सेवा का करता रहेगा, अलग से सेवा उनको करने की दरकार नहीं रहेगी। गंगा यमुना सरस्वती नदियों के साथ ब्रह्मपुत्रा भी आकर मिलती है तो थोड़े समय के लिए बाप की विरोधी बनती है। ऐसी क्या बात होगी
जो ब्रह्मपुत्रा भी विरोधी बन जाती है। नदियां जब सागर में गिरती हैं और पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, एक तरफ तो चंद्रमा का आकर्षण पानी को खींचेगा या नहीं खींचेगा, उसको कहते हैं ज्वार भाटा। नदियों का पानी आकर के इकट्ठा होता है और समंदर भी अपने लहरों की उछाल मारता है, तो बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें इकट्ठी हो जाती हैं, खड़ी हो जाती है। माने ज्ञान मार्ग में उस समय क्या होगा, बड़ी विघ्नों की दीवार इकट्ठी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, लेकिन आखिरी हस्र क्या होता है, आखिरी नदियों को सागर में मिलना पड़ता है या दीवाल खड़ी की खड़ी ही रह जाती है, आखिरी तो मिलना पड़ता है। कहां ज्ञान का सागर है और कहां थोड़े से पानी की नदियां, वो सागर है और वो नदियां हैं। नदियां पानी की नदियां हैं, सागर का तो मंथन गाया हुआ है, मंथन पानी का नहीं होता है। नदियों में हीरे जवाहरात रतन निकलते हैं या सागर में निकलते हैं, सागर में हीरे जवाहरात मोती भरे पड़े हैं, नदियों में हीरे जवाहरात मोती नहीं भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि सागर में मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, इसलिए नित नए हीरे मोती जवाहरात निकलते रहते हैं ज्ञान के। नदियों का मंथन नहीं चलता है, नदियां तो जितना ज्ञान सुनती हैं उतना ही सुना हुआ दूसरों को सुना देती है, नई बात कोई भी नहीं निकलती है। जैसे ब्रह्मा कुमारियों ने, ब्रह्मा कुमारों ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुना वो ही सुना हुआ ज्ञान आज भी सुनाई रही है, कुछ नई बात सुना रही है क्या? तो वो नदियां हैं, उनमें हीरे मोती जवाहरात नहीं भरे पड़े हैं, वो पानी की नदियां कही जाती है। और सागर, सागर तो हीरे मोती जवाहरातों की खान है, उसको रत्नागर कहा जाता है। धीरे धीरे 84 जन्मों का भी पता चल जाएगा। आत्मिक स्टेज में टिकने से ही आवेगी, जब आप बीज रूप स्टेज में टिकेंगे तो बीज का पहला पहला रूप क्या होगा वो भी समझ में आवेगा। बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, वृक्ष के पत्तों पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है, न वृक्ष के बीज में पत्तों में बीज है, न फलों में बीज है, न फूल में बीज है, न टहनियों में और न तने में बीज है, लेकिन बीज के अंदर सारा ही मौजूद है।
अगर मौजूद नहीं होता है तो निकलता कहां से है। इसलिए बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है और हर आत्मा बीज रूप है, तो हर आत्मा में 84 जन्मों के जो भी मित्र संबंधी संसर्गी हैं वो आत्मा की स्मृति में आने चाहिए और संगम में ही वो स्मृति में आने चाहिए। सारा पार्ट आत्मा के सामने डिक्लेयर होना चाहिए अनेक जन्मों का। ऐसे नहीं है कि एक आत्मा के संसर्गी संपर्की संबंधी जो होंगे वो दूसरी आत्मा के भी होंगे, ऐसे होगा क्या? नहीं समझा? एक आत्मा के जो संबंधी होंगे जन्म जन्मांतर के, वही दूसरी आत्मा के भी संबंधी होंगे जन्म जन्मांतर के? नहीं होंगे। तो एक आत्मा का वृक्ष अलग और दूसरी आत्मा का वृक्ष अलग, तो वो आत्मा को अपना पूरा वृक्ष समझ में आना चाहिए कि 84 के चक्र में हमारा कौन कौन सी आत्माओं के साथ संसर्ग संपर्क संबंध अनुदा हुआ है। क्यों नहीं होगा? 9 लाख आत्माएं बीज नहीं है, 4.5 लाख बीज है। और